हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा स्प्रे शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको शॉप वगैरह से परचेज करने जाओगे तो काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा, लेकिन आप अगर घर में बनाओगे तो बहुत जल्दी झटपट घर की चीजों से बनेगा, इतना ज्यादा महंगा भी नहीं होगा और आपको सेम वैसा ही रिजल्ट देगा, ठीक है। तो सर्दियों में ये होता है कि हमारी स्किन से जो है ग्लो बिल्कुल उठ जाता है, तो सबसे पहले तो मैं ग्लोई सीरम बनाऊंगी क्योंकि सर्दियों में हम चाहते हैं कि हमारे मेकअप के साथ हमारी स्किन पे ग्लो भी हो, ठीक है। पहला जो इम्पोर्टेंट हमारा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि स्किन के ऊपर मेकअप करते हैं तो ड्राइनेस आ जाती है लेकिन ग्लो नहीं होता। हाइलाइटर कुछ लोग नहीं अप्लाई करना चाहते, तो उन लोगों के लिए छोटी सी ट्रिक है, अगर आप लोग ये स्प्रे बना के घर में रख लोगे, यकीन करो मेकअप से पहले इसको अप्लाई करो और मेकअप करो, उसके बाद आपको इतना जबरदस्त इसका रिजल्ट मिलेगा, आपकी स्किन ग्लोई ग्लोई और बहुत जबरदस्त हो जाएगी। तो बातें कम करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। इस स्प्रे को बनाने के लिए आपको मेकअप सेटिंग स्प्रे चाहिए होगा। यहाँ पे मैं मिस्ट्रोस का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मेकअप सेटिंग स्प्रे नहीं है तो आप इसकी जगह पे रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर सेटिंग स्प्रे है तो वो यूज़ कीजिए क्योंकि ये सस्ता सा है और बहुत ईजिली मिल जाता है, इतना महंगा नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं कम क्वान्टिटी में बना के आपको दे रही हूँ। लाइक मैं बिल्कुल पूरा फुल में भी बना सकती थी, लेकिन मैंने कम क्वान्टिटी में एक नई बॉटल में इसको बनाऊंगी। सेकंड जो है आपको एलोवेरा जेल चाहिए होगी, किसी भी कंपनी का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास अभी डर्माशाइन का एलोवेरा जेल था, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ, मुझे ये फेस के लिए थोड़ा सा एलोवेरा जेल जो इनका पसंद नहीं आया, मुझे मेरी जो अपना एलोवेरा जेल है मैं वो यूज़ करती हूँ ना, वो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, उसके बाद शाइनर चाहिए होगा, बी क्यूट का मैं शाइनर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये शाइनर नहीं है, आप अपने हाइलाइटर को पाउडर बना के भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप मिस्ट्रोस का शाइनर मिलता है वो भी ले सकते हो। अब बी क्यूट जो है इसका शाइनर का कलर कुछ चेंज है, लेकिन मिस्ट्रोस का जो शाइनर है उसका कलर वाइट है। या फिर आप लिक्विड हाइलाइटर भी अपना यूज़ कर सकते हो, जो चीज़ आपके पास है आप उसको यूज़ करो। अगर आपके पास हाइलाइटर है तो आप उसको पाउडर बना के यूज़ कर लो, लिक्विड हाइलाइटर है तो वो यूज़ कर लो, नहीं तो आपके पास अगर शाइनर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिक्विड हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसको मिक्स करने में थोड़ा अच्छे से मिक्स हो जाता है, जल्दी हो जाता है। और इसके ये भी है कि मैंने जो पहले एक प्राइमर बनाया था उसके अंदर भी ये यूज़ किया था, तो ये स्किन के ऊपर थोड़ा नेचुरल सा लगता है, इसलिए मैं लिक्विड हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे जो मैं दूसरा शाइनर है मिस्ट्रोस का, वो भी पाउडर में वो भी ऐड कर रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा हमें ग्लो अपने स्किन पे लाना है, तो उसके लिए आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हो लिक्विड हाइलाइटर में। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको करना है अच्छे से मिक्स। आपने, मैं तो यही कहूँगी कि बॉटल के अंदर डाल के अच्छे से उसको मिक्स कर लें। पहले मिक्स करने से अच्छा यही है कि बॉटल में डालें और अच्छे से उसको मिक्स कर लें, क्योंकि ये मिक्स होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है क्योंकि हमने इसके अंदर सेटिंग स्प्रे डाला है, तो सेटिंग स्प्रे इसके अंदर कभी भी मिक्स नहीं होता, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाके मिक्स होगा, नहीं तो ये ऐसे ही अंदर बिल्कुल, अगर पाउडर डालोगे तो वैसे ही उसके छोटे छोटे जो हैं दाने बने रहेंगे, तो आप अच्छे से मिक्स लाजमी कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, मैंने एक सेट स्प्रे बॉटल में डाल के मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेक करवा रही थी शाइन। देखें, मैंने अभी हाथ के ऊपर अप्लाई किया, बाकी आपको फेस के ऊपर भी अप्लाई करके दिखा देती हूँ। एक साइड पर अप्लाई करूँगी, यहाँ पे क्या हुआ था, मेरी आइज़ ओपन थी तो मेरी आइज़ में चला गया, तो आपने ख्याल करना आइज़ बंद करके ही अप्लाई करना, इसके अंदर ना जाए, तो थोड़ा सा अपने फेस से दूर रखें और उसके बाद स्प्रे करें, बिल्कुल फेस के पास जाके स्प्रे आपने नहीं करना। अब देखें, एक साइड पे मैंने वो अप्लाई किया, एक साइड पे नहीं अप्लाई किया। मैं मेकअप, मैंने अपने फेस पे कोई ख़ास मेकअप नहीं किया हुआ था, आप लोगों के सामने लिपस्टिक सिर्फ अप्लाई की हुई थी, तो मैंने अप्लाई कर लिया। इसके बाद मेकअप आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी मेकअप आप करना चाहते हैं। अब मैं पूरे फेस पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। इसका ये है कि आप मेकअप से पहले यूज़ करें, बहुत अच्छा आपका मेकअप जो है ग्लोई और बहुत प्यारा लगता है। अगर आप चाहते हो कि मेकअप के बाद यूज़ करें तो मेकअप के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपकी मर्ज़ी है। घर में बनाएं, अपने पैसे बचाएं और इसके फ़ायदे उठाएं सर्दियों में। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सी चीज़ों से मैंने बनाया, जो कि आपको बाज़ार में बहुत महंगा ये स्प्रे मिलता है। मैं पिक्चर भी थंबनेल में आपको लगा दूंगी, आपको पता चल जाएगा हुदा ब्यूटी और इस तरह की जो कंपनी है वहाँ से आपको ये कितना महंगा मिलता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।